हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना है। और आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग हिंदी में, और जिसका टॉपिक है कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर लव वंस, मतलब आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, क्रश, जो भी है, आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं वो सारे आपको मिलेंगे इन पाइल्स में। तो उसके लिए आपके पास तीन पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। तीनों में से कोई भी चूज़ कर लीजिए। हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा दिया पहली पाइल में, दूसरी पाइल में भी ये ब्यूटीफुल सा दिया है जिस पे लीफ बना हुआ है, और जो थर्ड पाइल है उसमें है ये शंख बना हुआ है, प्यारा सा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। आप तीनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, हम पहले उनकी रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी ये प्यारा सा दिया चूज़ किया है, पहले रीडिंग होगी इनकी। सो देख सकते हैं, जैसे पाइल नंबर वन के जो कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, एट एट बहुत बार आ रखा है। हो सकता है आपकी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या उनका बर्थडे हो इस दिन पे। साइंस भी मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं, वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है। तो जेमिनाइल, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आपके साइंस हो सकते हैं, उनके साइंस हो सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अभी तक हो सकता है कि बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट आपको नहीं मिली है, या शादी की बात नहीं हुई है आपकी या आपके घर वालों के बीच में। पर जो भी है, वो शायद अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आ रखा है कि वो वर्क कर रहे हैं अभी मनी के लिए, सैलरी का वेट कर रहे होंगे हो सकता है, या वर्क कर रहे हैं अपनी मनी के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर। और जैसे ही लग्जरी आ जाएगी, वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही पैसा आ जाएगा, लग्जरीज आ जाएंगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो वो एक एक्शन लेंगे और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, यानी कि वो आपको प्रपोज़ करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, अभी तक उन्होंने नहीं किया प्रपोज़, तो वो आपको पक्का प्रपोज़ करेंगे, ये वो मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत ही ब्रेव काइंड ऑफ है आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, ब्रेव है, गुड लुकिंग है, ऑनेस्ट है, उनकी थिंकिंग बहुत ही अच्छी है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, और वो आपको डेफिनेटली मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। थोड़े बहुत इनसेंसिटिव हो सकते हैं वो शायद, मतलब मुझे कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि शायद वो थोड़े इनसेंसिटिव है, अपनी बातें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह देते हैं जो भी उनके मन में हो, चाहे लड़का हो या लड़की जो भी। लेकिन फिलहाल वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, और उसके बाद वो सोचना चाहते हैं शादी के बारे में। यही उनका मैसेज आपके लिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा वेट करिए, आपसे शादी करेंगे। सो सब पाइल्स के लिए मैंने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस और रखे हैं, तो वो भी आपके लिए निकाल लेते हैं। मैं दो मैसेजेस निकालूंगी जो भी आपके पार्टनर की तरफ से होंगे आपके लिए। चलो, एक ही में दो आ गए हैं, तो देख लीजिए आपके लिए क्या है। कैन यू गो ऑन अ डेट विद मी, तो के आपके लिए ये आया है, क्या आप उनके साथ डेट पे जाएंगे, तो आपको ये मैसेज पूछना चाहते हैं। हो सकता है जल्दी ही पूछ लें, लॉकडाउन की वजह से शायद आप लोग जा नहीं पा रहे हो, और वो आपको परफेक्ट समझते हैं। नो बडी इज़ परफेक्ट, बट यू आर सो क्लोज, इट्स स्कैरी। वो आपको परफेक्ट समझते हैं, आपको बहुत ही पसंद करते हैं, ओवरऑल फीलिंग बहुत अच्छी है। बस वो अपने वर्क पे, अपने फाइनेंसिस पे फिलहाल काम करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। गुड लक पाइल नंबर 1। तो चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये वाला लीफी दिया चूज़ किया था, लीफी या लीफ वाला दिया चूज़ किया था, उनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं इस वाली पाइल में, पर जितने कार्ड्स आए मुझे लगता है रिश्ता भी उतना ही लंबा है, काफ़ी लंबा रिश्ता है आपका, पुराना रिश्ता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। पर फिर भी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब आप कुछ, या तो आपके कुछ प्लान्स थे जो पोस्टपोन हो चुके हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। शायद आप परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते को वर्कआउट करते करते इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी मतलब मुझे मिक्स्ड फीलिंग दिखाई दे रही है कि आप इस रिश्ते में रहना भी चाहते हैं। कई बार आप लोग लगता है आपने बहुत वर्क कर लिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कई बार आपको लगता है कि आपको बहुत प्यार है, और कई बार आपको लगता है कि अरे ये सब कुछ क्या ही हो रहा है, मैं क्यों इस रिश्ते में हूँ, मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। मुझे उस तरह के दोनों की मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। लेकिन चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही हो ज़्यादा, और अगर ऐसा है कि अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या फिर एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे, तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जल्दी आपका पैचअप होने वाला है, काइंड ऑफ, मतलब मैंने पैचअप कहा है, तो शायद हो सकता है कि आपकी ज़्यादा बात नहीं हो रही हो कई दिनों से,
तो जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, वो आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपकी शादी की बात भी हो जाए जल्दी ही, मतलब लगे हाथ में शादी की बात भी हो ही जाए। तो मुझे लगता है जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, पर वो आपसे बहुत ही लॉयल हैं। आप दोनों ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए, ताकि सारी जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। और एक बात और, अगर आपकी शादी होती है तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आप दोनों बहुत लॉयल हैं एक दूसरे के लिए, फेथफुल हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे दिल से बाहर निकाल दीजिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आप दोनों, और मुझे लगता है आप दोनों को ना नया स्टार्ट करना चाहिए अपनी। थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को ठीक करने में, लेकिन जैसे आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वो सच में कामयाब हो गए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, आपको डेफिनेटली एक अच्छी कमिटमेंट मिल सकती है इस इंसान से, और वो शायद आपको यही कहना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो ही जाए, बात पक्की हो जाए शादी वादी की, क्योंकि मुझे लगता है आप एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल, वो एरीज भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे साइंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर साइंस डजंट मैटर, बट काफ़ी जो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, बस वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, करेज दिखाने की ज़रूरत है। आप दोनों में बहुत प्यार है, वो आपको यही शायद कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तकलीफ़ या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। तो चलिए देखते हैं। चलो देखिए मैंने क्या कहा था, जो कार्ड निकाला है मैंने सोलमेट आया, और दूसरे कार्ड में देखिए खुद ही देख लिए और खुश हो जाएंगे, विल यू मैरी मी का कार्ड आया। शादी तो करना चाहते हैं और वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो शायद यही आपका उनका मैसेज है आपके लिए कि आप लोगों की शादी हो जाए और वो आपको प्रपोज करेंगे। पर आप ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है ना, उसमें से निकल आइए। अगर ये आप फ्रस्ट्रेट है तो आप निकल आइए, और अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप उनको हौसला दीजिए, क्योंकि अंत में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आगे के, शुरू में जो थोड़ी परेशानियाँ वो हैं। गुड लक पाइल नंबर टू। चलिए अब रीडिंग करते हैं पाइल नंबर थ्री के लिए, जिन्होंने भी ये शंख वाला दिया चूज़ किया था। चलो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। वाओ पाइल नंबर थ्री, मतलब आपकी तो लॉटरी लगी है। द लवर्स का कार्ड भी आया, द सन का कार्ड्स भी आया, हाई प्रेस्ट का भी है, जस्टिस का भी, कप्स का भी है, द डेथ का है, उसको देखने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ का मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी है और अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। इधर देख सकते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड है, लवर्स का कार्ड आया, यानी कि डिवाइन कनेक्शन है। हो सकता है आपके बीच में बहुत झगड़ा चल रहा हो या फिर घर वाले नहीं मान रहे हो, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने जो मेहनत करी ना उसका फल आपको मिलने वाला है, और वो आपको बहुत ही मतलब जल्दी ही, मतलब एक तो वो आपको ना बहुत ही सेंसिटिव समझते हैं, आप उनको लगता है बहुत ही प्रिटी हैं, सेंसिटिव हैं, आपका फैशन बहुत अच्छा है, आप लॉयल हैं, आप फेथफुल हैं, आप मतलब बिल्कुल एक ऐसी लड़की हैं जिसको वो अपने घर लेके जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप पार्टनर है, वो आपके बारे में बिल्कुल यही सोचती हैं। और यहाँ पर देखो मैरिज के कितने सारे कार्ड आए हैं, तीन तीन, तो कोई भी अगर लीगल सिचुएशन है, हो सकता है कि हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसले हो आपके बीच में, तो वो सब कुछ ठीक होने वाले हैं, सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, फाइनेंसिस के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। आप दोनों का रीयूनियन होगा अगर पहले प्रॉब्लम थी तो, या फिर घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो वो खुद आप दोनों की शादी करा देंगे, मुझे तो यही लग रहा है। हो सकता है आप कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग आजकल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दासन का है तो आपकी मैरिज पक्का है, वो आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब चली जाएंगी और मैरिज होके रहेगी। दुनिया वालों को बोलने दो जो बोलते हैं, मुझे तो यही फीलिंग आ रही है, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में वो पूरा ऐसे बोल रहे हैं कि भाड़ में गई दुनिया, हम दोनों को साथ में रहना है। और अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। चलिए आपके लिए मैसेजेस निकाल लेते हैं, लव मैसेज। इससे बड़ा लव मैसेज क्या होगा कि वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, और बहुत ही जल्दी करेंगे, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो चलिए देखते हैं। वाओ मैसेज तो देखिए एक बार, सून वी विल बी टुगेदर फॉर एवर इन द आर्म्स ऑफ ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब वो यही कहना चाहते हैं आपको कि जल्दी से ना जल्दी हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे हमेशा के लिए। तो मुझे तो पक्का लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जो अब ठीक होने वाली है, तो चलो अच्छी बात है, गुड लक। और दूसरा आया है मूवी एंड फूड डेट,
तो मतलब वो आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, घुमाना फिराना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। गुड लक पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा है, क्या प्रॉब्लम लगी है, जो भी है रेजोनेट होती है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ सपोर्ट करना आगे के लिए भी मुझे। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।